नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खरगोन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खरगोन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उन्होंने परिषद चुनाव की रणनीति तैयार की। बताया जा रहा है कि जिले में भीकन गांव महेश्वर और मंडलेश्वर नगर परिषद के चुनाव तय होना है और इसी बीच में वीडी शर्मा ने प्रचंड वोटों से जीत का दावा किया। इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने बयान दिया कि कांग्रेस एक ही परिवार तक सिमट कर रह गई, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिग्विजय की सक्रियता पर कटाक्ष करके बताया गया कि देश विरोधियों के साथ खड़े रहने वाले दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष बने तो इससे बड़ी और क्या बात हो। इस बात के लिए उन्होंने शुभकामना व्यक्त की है। देखिए, लंपी वायरस को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से काम किया है, पूरी सरकार हमारी लगी है। आज मैं भी एक गौशाला के अंदर गया, मैंने उन गौशाला के प्रबंधन को खंडवा के अंदर धन्यवाद दिया कि सभी 450 गाय को वैक्सीनेशन हो गया और सजगता के आधार पर वो लोग जगह जगह पर जाकर के अन्य गौशालाओं को भी लंपी वायरस से कैसे संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है, किसान मोर्चा हमारा विशेष तौर पर काम कर रहा है, जगह जगह पर जाकर के अवेयरनेस लाना। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का पूरे आदेश दे दिए और मध्य प्रदेश के अंदर लंपी वायरस को लेकर के सरकार हमारी अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे अलर्ट रह करके काम कर रहे हैं, इसलिए गौ माता को इस वायरस से बचाने के लिए हमारी सरकार और समाज भी संकल्पित है, सब मिलकर के इस संकट से जरूर हम निकाल पाएंगे। चीता, इनके पास काम क्या है? इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, झूठ बोलना इनको अच्छा लगता है, इनको आनंद उसी में आता है कांग्रेस को। अरे चीता भी ला रहे हैं, विकास के प्रतिमान भी गढ़ रहे हैं, गरीबों के कल्याण में भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मोदी जी दुनिया के अंदर भी नाम रोशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन स्वदेशी बना करके आत्मनिर्भर भारत को खड़ा कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। तो जीव जंतुओं को लेकर के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का लगाव इस प्रकार के क्षेत्रों में भी अगर है तो इसमें आपको क्या कष्ट है भाई? कांग्रेस को क्या कष्ट है? चीते भी आ रहे हैं, बाकी काम भी हो रहे हैं, तो इसलिए ये तो प्रधानमंत्री जी की सक्रियता और उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है जो हर प्रकार के काम करते हैं। अब आपके नेता कांग्रेस के नेता को ये पता नहीं रहता है कि आलू जमीन में पैदा होता है कि फैक्ट्री में पैदा होता है, अब इसके लिए उनके पास और क्या होगा, यही बोलेंगे वो।